यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। नोएडा सेक्टर 24 पुलिस की दो अंतर्राज्यीय चैन लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। गोली चलने से दोनों लुटेरे घायल हो गए। घायल बदमाशों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि चैन लुटेरे गिरोह का एक गुट किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी शुरू की। जब पुलिस ने बदमाशों की बाइक रोकने का प्रयास किया तो दोनों लुटेरों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों लुटेरे घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से दो तमंचे, एक बाइक बरामद की है। अभियुक्त मोनू पर करीब 3 दर्जन मुकदमे दर्ज है। आज सवेरे सेक्टर 24 प्रभारी प्रभात दीक्षित अडोक चौराहे के पास चेकिंग कर रहे थे, तब तक दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए। इन लोगों ने रोकने की कोशिश किया, नहीं रुके। इन लोगों ने उसका पीछा किया तो मोटरसाइकिल उन्होंने गिरा के पुलिस पार्टी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लगी है और इनके पास से एक मोटरसाइकिल, दो तमंचे, दो जिंदा कारतूस और दो खोखा कारतूस बरामद हुआ है। जो दोनों व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें एक मोनू वाल्मीकि है, एक अन्नू वाल्मीकि है। मोनू वाल्मीकि पे करीब 40 मुकदमे हैं, जो हैदराबाद में 12 मुकदमे हैं, दिल्ली में, गाजियाबाद में, नोएडा में और बुलंदशहर में इसके खिलाफ मुकदमे हैं। इसके साथ ही अनिल के ऊपर भी लगभग 12 से 14 मुकदमे हैं और इन्हीं का एक साथी जिसका नाम विपिन वाल्मीकि है, वो भी 23 तारीख को मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। उसने पीटर टू से एक चैन स्नैचिंग की थी। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है और यह भी पता कराया लगाया जा रहा है कि ये लोग चैन जो खरीदते थे कहाँ बेचते थे, उसकी भी जानकारी करके उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाए। हैदराबाद, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में और अनिल पर करीब 1 दर्जन लूट के मुकदमे दर्ज है। पुलिस दोनों आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि इनके पकड़े जाने के बाद चैन स्नैचिंग और लूट की वारदात में कमी आएगी। पंजाब केसरी के लिए नोएडा से गौरव की रिपोर्ट।